हेलो स्टूडेंट्स, विनिंग एज स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। ये क्लास काफ़ी दिनों के बाद हो रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप सभी को पता है कि घर से बाहर निकलना हमारे पीएम मोदी जी का एक अनुरोध था कि घर से बाहर ना निकलिए, लेकिन अब थोड़ी सी छूट मिली है तो जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए दोबारा अग्रसर हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जहाँ हमारी गाड़ी रुकी हुई थी उस गाड़ी को अब आगे लेके चलते हैं, जहाँ मैंने 3.2 खत्म किया था और मुझे अच्छे से याद है 17th क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था। तो अभी उसको रहने देते हैं, लेकिन अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ टॉपिक ट्रांसपोज टॉपिक के साथ। और उस क्वेश्चंस को हम जितने भी क्वेश्चन अभी रह गए, एक दो क्वेश्चंस, वो सारे कवर करेंगे चैप्टर के एंड में। फिलहाल अभी क्या करते हैं हम, अभी हमें एक जो टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस टॉपिक पे हम अपना ध्यान देते हैं। अच्छा, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का भाई मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके नए नए टाइप के क्वेश्चंस हमने किए। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए हैं। आज क्या करना है कवर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर इसे मैं बहुत आसान शब्दों में बताना चाहूं तो क्या कहना चाहता है ये ट्रांसपोज, भाई ट्रांसपोज, अगर मैं ट्रांसपोज को ब्रेक कर दूं, ट्रांसपोज को मैं ब्रेक कर दूं, तो भाई यहां पे ट्रांस का मतलब होगा बदलना यानी चेंज, और पोज का मतलब होगा यहां पे उसकी पोजीशन। ठीक है, अब पोजीशन कैसे, मतलब पोजीशन इस प्रकार से, डिजिट वाइज नहीं, एलिमेंट वाइज नहीं, किसके वाइज, रॉ को कॉलम बना देना है, यहां पे सीधे से करना है, उनके पोजीशन को चेंज कर देना है, यानी जो पहले रॉ हुआ करती थी उसे क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लीजिए आपके पास ये ए मैट्रिक्स है 1 2 3 6 1 2 4 1 3, या चलिए इसको मैं लेता हूं 5, इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं 0। अब कहा गया कि भाई आप इसको ट्रांसपोज कीजिए, तो बहुत ही सिंपल, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के लिए आप जो भी मैट्रिक्स है उस पर डैश लगा देंगे ऐसा छोटा सा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ट्रांसपोज के यानी लगाएंगे, आप साइन लगाएंगे, डैश लगाएंगे, तो इसके ऊपर भी डैश लगा दीजिए, लगा दिया आपने डैश। अब होगा क्या, ए ट्रांसपोज मतलब जैसे ही इसके ऊपर से ये वाला साइन आप गायब करोगे, ये वाला साइन आप गायब करोगे, हटाओगे, तो बस ये साइन हटाते ही होगा क्या, रॉ जो होगा वो चेंज हो जाएगा, किसमें, कॉलम में चेंज हो जाएगा। बच्चों बहुत सिंपल सी कहानी है, तो बस क्या करना है, जैसे ही आप यहां से ट्रांसपोज हटाएंगे, ये जो रॉ है ये कॉलम बन जाएगा, फिर ये जो रॉ है कॉलम बन जाएगा, फिर ये जो रो है कॉलम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या किया हमने, हमने सिर्फ रो की पोजीशन चेंज करके उसमें किसे कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये सिंपल सा काम करना है बस हमें। हाँ, एलिमेंट जरूरी नहीं है कि अपना पोजीशन चेंज कर ही लेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 1 अपनी जगह पे ही है, ये 5 अपनी जगह पे ही है, तो एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज जरूरी नहीं है कि करें ही, लेकिन हाँ जितने भी रोज हैं वो सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या करते ही, ट्रांसपोज करते ही, या आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि जितने भी कॉलम हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रो में, लेकिन मोस्टली ऐसे ही बोला जाता है कि जो रो होते हैं वो अपने किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इसी के साथ एक बात और करना चाहूंगा मैं आपके साथ, क्या, कि अगर इस ए ट्रांसपोज का आप दोबारा ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब जैसे पहले आपके पास ए था, फिर आपने ए का ट्रांसपोज किया, मतलब क्या किया आपने, आपने इसके रो को कॉलम, यानी इस आपने क्या किया, इसके रो को कॉलम बना दिया, इसके रो को कॉलम बना दिया। अब इसी ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करो, इसी ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, 1 6 4 2 1 0 3 2 5, इसी का क्या करना है हमें, दोबारा ट्रांसपोज। और अब दोबारा जब ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज का बच्चों एक ही नियम है, मैंने अभी अभी बताया, क्या, कि रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में, तो सिंपल।
देखो 164 ये क्या है, रो क्या बन जाएगा, कॉलम। 210 क्या बन जाएगा, कॉलम। 325 क्या बन जाएगा, कॉलम। मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? तो बस अब देखो ये बन गया, तो ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज देख रहे हो, ये बन गया। अच्छा अब अगर आप गौर से देखोगे तो आपने क्या देखा कि जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था आपके पास वही चीज वापस आ गई है। चाहे तो आप देख लो, फर्स्ट रो 123, 123, 612, 612, थर्ड रो 405, 405, सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसका दोबारा ट्रांसपोज करें, मतलब एक वैल्यू के दो बार ट्रांसपोज किया जाए, तो हमें क्या मिलता है भाई, ओरिजिनल वैल्यू वापस मिल जाती है। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? तो देख सकते हैं आप कि ए था, ट्रांसपोज किया, ऐसा बन गया। अब इसी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज किया तो वापस हम कहां पर आ गए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इसी को बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे और भी कई तरह से डिफाइन किया जाता है, समझाया जाता है। अच्छा हाँ, ट्रांसपोज में कई लोग, भाई आपको ये भी बता दूं मैं, जैसे ये ए है तो इसमें कभी कभार ऐसे ऊपर छोटा सा टी भी बनाते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सही है, आपको जैसा सही लगे वैसा आप अपना सकते हैं, ठीक है। बाकी अब इसके ऊपर और किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं एक एक करके यहां पे कवर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। हाँ जी बच्चों, तो ये अब आपके सामने 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और आपसे ये दो चीजें तो प्रूव करने के लिए दी गई हैं कि भाई ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और सेकंड आपको प्रूफ करना है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और थर्ड में आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट इसका करा देता हूं प्रूफ, तो सेकंड आप कर लेंगे, और थर्ड का फिर आपको हिंट दिया जाएगा कि आपको ये कैसे करना है। बहुत सिंपल सी कहानी है, हमें पता चल रहा है भाई ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालना है, तो ठीक है जी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम ए प्लस बी करेंगे पहले। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। हाँ जी कीजिए, ऐड आपको सिखाया गया था, तो अब मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं आपको, -1 -4, तो क्या हो गया ये भाई, माइनस का 5, 213, माइनस का 2, 6, 9, 9, -1, 4, 2। लीजिए आपके सामने a प्लस बी हाजिर है। अब जब a प्लस बी आ गया है तो ट्रांसपोज करने में मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई देरी होने वाली है यहां पर। आप सभी जानते हैं ट्रांसपोज का मतलब क्या है और वो कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है ट्रांसपोज, कि भाई जो आपके रो हैं उनको क्या बना दिया जाए, उनको कॉलम बना दिया जाए, ठीक है। तो आप सभी बच्चे ये काम कर लेंगे, चलिए मैं करा ही देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ही है करना ही, क्या छोटा सा है। हाँ जी आप जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा, रो जो होगी बच्चों क्या बन जाएगी, कॉलम। रो जो होगी क्या बन जाएगी, कॉलम। रो जो होगी वो क्या बन जाएगी, कॉलम। तो प्यारे बच्चों आपके सामने ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आपके सामने आ चुका है। अब क्या निकालना है, इस वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं, अब निकालना क्या है, अब निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सिंपल, कोई वो नहीं है हमें दिक्कत भाई, हम क्या करेंगे इसमें, हम ये करेंगे कि प्यारे बच्चों ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर क्या होगा। हाँ जी पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, आप सभी लिखिए ए की वैल्यू, ए की वैल्यू लिख दीजिए, फिर बी की वैल्यू लिख दीजिए सभी बच्चे। ठीक है अब जैसे आप इनको लिख के क्या करेंगे, ऐड, तो ये गलत होगा। क्यों क्यों गलत होगा, क्योंकि बच्चों हमसे ए प्लस बी नहीं मांगा है, हमसे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज मांगा है। तो प्यारे बच्चों आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे,
ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे, ठीक है। और ट्रांसपोज का साइन लगाने का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोज का साइन लगाने का मतलब होता है कि जब वो हटेगा तो जितने भी रो हैं वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या ए को कर चुके हैं, अब बी को भी ट्रांसपोज कर दीजिए। ये लीजिए बच्चों, आपके सामने बी का भी ट्रांसपोज हो गया। अब हमारे पास एक्चुअल ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आ चुका है। नाउ क्या करना है, ऐड। चलिए कीजिए, ये हो गया माइनस का 5, 5 और 1 6, माइनस 1 3, 9 और ये कितना है 3 और 1 4 और ये कितना 3, 5 माइनस का 2, 9 और 1। हाँ जी बच्चों, अब हमें ये देखना है कि क्या a प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर आया है। तो चलिए चेक करते हैं। माइनस 5 माइनस 5 6, 6 माइनस 1 माइनस 1 3, 3 9, 9 4, 4 माइनस 2 आना चाहिए था यहां पे। सॉरी 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 सॉरी, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने? हाँ बच्चों, कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ तो बच्चों, गड़बड़ क्या थी? गड़बड़ थी इसमें हमारे पास, अच्छा यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे नहीं था। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ये माइनस लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब ये माइनस लगा दिया तो अब देखो, अब माइनस टू माइनस टू, नाइन नाइन और यहाँ पे टू और वहां पे वन। सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ ये हुई है, वन प्लस वन टू हो गया ना, वन प्लस वन टू हो गया, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सेम आ गया। तो इसका मतलब ये है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आपको ये ट्राई करना है, ठीक है। और उसके बाद आप सेकंड पार्ट ये आप खुद ट्राई करेंगे। और इस वाले को कैसे करना है अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्या प्यारे बच्चों, पहले बी को टू से मल्टीप्लाई, फिर ए के साथ एड, और एड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज। तो मैंने आपको 3.3 का सेकेंड क्वेश्चन कराया है, और आपको कवर कहां तक करना है खुद से, 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। आप फोर्थ क्वेश्चन तक ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में एक नए टॉपिक में, यानी यही है टॉपिक, बस इसी का एक छोटा सा अपग्रेड वर्जन है, मतलब कि मल्टीपल में केसेस हैं, जबकि ये प्लस और किस में है, माइनस में। तो अब हम किस में सीखने जा रहे हैं, मल्टीपल में। तो नेक्स्ट ये देखिए, मल्टीपल का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, तो वो फटाफट आप देखिए। हाँ जी बच्चों, अब ये 3.3 का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। और इसमें लिखा गया है कि भाई आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी का मल्टीपल का ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में ए का ट्रांसपोज। आपको सिंपल सी बात समझनी है और क्लियर करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। आपको पता है भाई ए बी का ट्रांसपोज करना है, तो पहले भाई ए बी का मतलब क्या है, ए बी की आपस में मल्टीप्लाई। जब आप ए बी की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ट्रांसपोज कर पाओगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ए और बी का क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो चलो ए और बी का हम मल्टीपल करते हैं। अब हर एक बच्चा जानता है कि मल्टीपल कैसे की जाती है, रॉ की कॉलम से। तो बहुत ही सिंपल मल्टीपल है ये। हाँ जी, फर्स्ट रो, एक मिनट, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैंने निशान बनाया वो इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहां पे ना कई बार बच्चे क्या करते हैं, अरे ये तो यार एक ही कॉलम दिया हुआ है, यार ये तो एक ही रो दिया हुआ है। वो बात आपके नजर में बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम मल्टीपल करने लगेंगे तो ये एक फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, समझ में आ रही है बच्चों बात? और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, इस तरीके से ये सेपरेट हुए हैं, ठीक है। चलिए अब जरा मल्टीपल करते हैं। तो कैसे होता है मल्टीपल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन को वन से माइनस वन। अब प्लस नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते प्लस, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर आगे कोई डिजिट्स नहीं है। तो आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी सेकंड पार्ट में चले गए, तो इससे अब थर्ड कॉलम, तो ये फोर को, अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस फोर, इसको इससे एट, इसको इससे माइनस फोर। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस थ्री,
सिक्स सिक्स सॉरी थ्री। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास ए बी। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ए बी का ट्रांसपोज। तो बच्चों बिना किसी टेंशन के हम यहां पे इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। लीजिए ट्रांसपोज किया, अब ट्रांसपोज हो गया जी, खत्म कहानी। आपको पता है ट्रांसपोज हटाते ही इनकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और किस प्रकार से, जो इनका रो है बच्चों वो किस में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, बस इतना सा काम करना है और आपके सामने ही हो गया। लेकिन बच्चों हमें तो प्रूफ करना है, हमें फाइंड थोड़ी करना है, हमें तो प्रूफ करना है। कि क्या प्रूफ करना है, कि ए बी के ट्रांस यानी ए बी का मल्टीपल, यानी जो ए और बी आपस में मल्टीपल कर रहे हैं उसका ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में ए ट्रांसपोज। तो सिंपल बच्चों, फिर वही हम अपनी कहानी नहीं निकालेंगे क्या भाई, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज यही है ना। तो चलिए पहले ये रहा आपके पास बी, उसका ट्रांसपोज, फिर आपके सामने है ए और यहां पे कर देंगे इसका ट्रांसपोज। प्यारे बच्चों जैसे इसका ट्रांसपोज करोगे बनेगा क्या, जल्दी बोलो क्या बनेगा, वो बन जाएगा कॉलम। क्या बन जाएगा, कॉलम बन गया। और जैसे इसका करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो रॉ, क्योंकि ये भाई रॉ था तो कॉलम बन गया, ये कॉलम था तो रॉ बन गया। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लाई जैसे हम जानते हैं कैसे। अभी देखो फिर से टिक करके दिखाता हूं मैं आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है, चलिए अब करेंगे मल्टीप्लाई। इसको इससे -1 प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस, -3 2 -8 6 1 -4 3। ठीक है बच्चों क्लियर। चलिए अब जरा चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों। तो अब देख लीजिए, अब दोनों अगर हम देखेंगे तो इक्वल है आपस में। कैसे इक्वल है जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना शायद माइनस की गलती हुई थी तो वो मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, क्योंकि फोर ये इस यहाँ पे मल्टीपल में -4 -1 की गलती हुई थी तो यहाँ माइनस मैंने हटा दिया है। ठीक है, यहाँ से ही माइनस हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। तो आप देख सकते हो आप सेम है, बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल मैच करा के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हमारा ये क्या हुआ, इसका इक्वल। अच्छा इसी का एक सेकेंड पार्ट और है तो आपको खुद करना है घर से। ठीक है, तो आप बच्चों ये अब हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। इसमें अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे व्हाट्सएप, अब जैसे कि मैंने अपना नंबर पहले भी दे रखा है आपको, फिर से एक बार दे देता हूँ, इस पे अपने डाउट की फोटो खींच के वही सेंड कर दीजिए, फिर मैं इसको उसके नेक्स्ट क्लास में कवर कर दिया करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, अब एक नए टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगला क्वेश्चन वो है, फटाफट आप देखेंगे और टॉपिक को समझेंगे कि क्या उस टॉपिक की खासियत है और उस टॉपिक में नया क्या है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपके सामने ये बी मैट्रिक्स है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3। ठीक है बच्चों, और आपको क्या करना है, इसमें आपको इसे एक्सप्रेस करके दिखाना है कि सम ऑफ असिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या है भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए भाई। देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो दिखने में ऑलमोस्ट बिल्कुल क्या हो एक जैसा, और स्क्यू सिमेट्रिक में मतलब क्या हो कि दिखने में सेम है लेकिन कुछ ऐसे माइनर इनके अंदर कमियां हैं जिसकी वजह से उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक, लेकिन वो रहेंगे कैसे, दिखने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमेट्रिक, यानी दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे लेकिन कुछ माइनर इफेक्ट की वजह से उसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया जा सकता है।
लेकिन सिमेट्रिक वाले में बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा सब कुछ सेम। जैसे अब इन्हीं क्वेश्चनों को ले लो, अब इन्हीं इसी क्वेश्चन में जब मैं काम करूंगा तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों दिखाऊंगा निकाल के, और प्लस एक्सप्रेस किसको करना है, एक्सप्रेस इसी मैट्रिक्स को करना है। मतलब कि जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे और जब आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे तो उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद आपको वापस यही चीज मिलेगी। समझ में आ रही है बात हर बच्चे को, कि जब आप, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे और जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे, दोनों को उठा के ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद आपको दिखेगा कि हम वापस इसी मैट्रिक्स पे आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की है। तो इसी चीज पे हम अब काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले नाउ क्या करना है कि भाई आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको करना है P मैट्रिक्स निकालना है, और वो P मैट्रिक्स निकलेगा कैसे, 1/2 B प्लस में B ट्रांसपोज, ऐसे निकलेगा। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मान लीजिए मैंने सिंबल ले लिया भाई P, यानी क्या ले लिया P, और P को सॉल्व करने के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज। चलिए करके देखेंगे जरा क्या होता है भाई ये 1/2 B मैट्रिक्स कितना है, 2 - 2 - 4 -1 - 3 - 4 1 - 2 - 3 प्लस B का ट्रांसपोज, यानी यही सेम चीज लिखूंगा और उसका हम क्या कर देंगे भाई, ट्रांसपोज कर देंगे 2 - 2 - 4 - 1 - 3 - 4 1 - 2 - 3। हाँ जी जरा ट्रांसपोज कीजिए बच्चों, 2 - 2 - 4 - 1 - 3 - 4 1 - 2 - 3, ठीक है, ऐड कीजिए 2 - 2 - 4 - 2 - 1 - 3 - 4 1 - 3 - 1 - 2 - 3 - 3 - 6 4 - 2 - 2 1 - 4 - 3 + 2 - 6, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, P मैट्रिक्स आ जाएगा आपके सामने, 2 से अंदर सबको डिवाइड करेंगे तो 4/2 तो कितना होगा 2 -3/2 - 3/2 - 3/2 - 3 1 - 3/2 1 - 3, इस तरीके से। ये बच्चों आपके सामने आ गया क्या, ये आपके सामने आ गया P मैट्रिक्स, ये आपके सामने क्या आ गया, P मैट्रिक्स। अब इसी से पता करना है कि क्या हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला है। तो भाई चलो चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता कैसे करेंगे भाई, सिमेट्रिक का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि देखने में बिल्कुल रंग रूप में बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए सेम जैसा वो ओरिजिनल रूप में है। तो अभी ओरिजिनल रूप भाई अभी इसका ऐसा है जो कि अभी हमने निकाला आपके सामने, ठीक है। जब हमने इसका ओरिजिनल रूप ये निकाला है तो सिमेट्रिक मतलब क्या कि जब हम इसको बदल दें, कैसे बदलते हैं, ट्रांसपोज करके, यानी जब हम इसको बदल दें तब भी ये ऐसा ही रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस P का ट्रांसपोज भी कर दूं ना, जब मैं इस P का ट्रांसपोज भी कर दूं तो ये ऐसा ही दिखना चाहिए। तो लीजिए भाई P का हमने ट्रांसपोज कर दिया और ऐसा ही दिखना चाहिए, शर्त यही है, तो हम शर्त को पूरा करते हैं। लीजिए भाई शर्त की गाड़ी स्टार्ट कीजिए, ट्रांसपोज हटाएंगे रो क्या बन जाएगा, कॉलम, रो क्या बन जाएगा, कॉलम, रो क्या बन जाएगा, कॉलम। हाँ भाई दिखाई दे रहा सभी बच्चों को, दिखाई दे रहा है क्या, क्या दिखाई दिया कि जो P है वही P ट्रांसपोज है, यानी जो P है वही P ट्रांसपोज है। तो हम कह सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक तो हो गया भाई, हमने तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दिया। अब बात क्या आती है, ठीक है, अब आप इसको नोट करेंगे और नोट करने के बाद हम क्या करेंगे भाई,
हम इसके रिजल्ट को वेरीफाई करते चलेंगे। अभी हमने क्या निकाल लिया है, पी निकाल लिया है, ठीक है। अब पी निकाल लिया है, इसके बाद, और वो भी पी किसके लिए निकाला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब हम क्या निकालेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करने जाएंगे भाई, हम इसको डिनोट करेंगे पी की जगह क्यू से। किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। अब क्या, अब आप पूछोगे बच्चों कि भैया या सर कि क्या हम अब इसको जब चेंज कर रहे हैं तो क्या इसमें चेंज नहीं होगा, तो भाई डेफिनेटली चेंज होगा। हाँ जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो बस अब हर जगह इसी प्रकार से आप चेंज करते चलिए, चेंज करते चलिए। और यहां पे बदल देंगे, ये तो पूरा ही बदलेगा बच्चों, ठीक है, ये तो पूरा ही बदलेगा, बदल लो इसको। हाँ जी, 2 - 2 0, -2 - 1 ये हो गया माइनस का 1, 4 माइनस, ये माइनस का 5, ठीक है, माइनस ये हो गया 1, 3 0, 4 ये हो गया 6, 1 ये हो गया 5, 2 - 6 ये हो गया 0, ठीक है बच्चों। अब 2 का अगर अंदर ले जाएंगे तो ये भी चेंज होगा, यहाँ से ये हो जाएगा Q का ट्रांसपोज, ठीक है बच्चों, ठीक, Q का ट्रांसपोज, ये तो हमारा हो गया Q, Q का ट्रांसपोज, सॉरी Q अंदर लेके जाइए ये 2 को, तो 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, ये आपका आ गया बच्चों Q, ये आपका क्या आ गया, Q। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का Q। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो यहां से भी वैल्यू चेंज कीजिए, यहां से भी वैल्यू चेंज कीजिए, ठीक, वैल्यू चेंज कर देते हैं, क्योंकि 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू मैट्रिक्स आ गया। और वो क्यू कौन होता है, क्यू है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्यू डिनोट करेगा। अच्छा, अब फर्क क्या है, अब फर्क क्या है, मैटर ये करता है कि फर्क क्या है। हाँ जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने क्या देखा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने देखा था कि हमने भाई यहां पे निकाला पी, पी का किया ट्रांसपोज, जो कि पूरी तरीके से वापस उसी चीज को लेकर आ गया जो पी के पास था, यानी पी का ट्रांसपोज बराबर आया पी के बराबर। मतलब हमने क्या देखा कि जो पी का ट्रांसपोज था वो वापस पी के ही बराबर था। लेकिन अब हमें देखना है कि क्या क्यू का ट्रांसपोज क्यू के बराबर आएगा। हमें क्या चेक करना है बच्चों कि क्या क्यू का ट्रांसपोज क्यू के बराबर आएगा। तो चलो जरा चेक करते हैं बच्चों, ये क्यू का ट्रांसपोज, जैसे हटाएंगे ट्रांसपोज, रो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, कॉलम। रो क्या बन जाएगा, रो क्या बन जाएगा, पल्ले पड़ गई बात। अब जरा ध्यान से देख लेना इसको, अगर आप देखोगे तो क्यू में और क्यू के ट्रांसपोज में दोनों में फर्क कुछ नहीं है, दिखने में सेम है, लेकिन बस वही है, मैंने कहा था ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक माइनर डिफरेंस दिखाई देगा पक्का। और वो माइनर डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, जहां ये -1/2 है वहां ये क्या है, 1/2, जहां ये -5/2 है यहां पे क्या है, ये 5/2। मतलब दिखने में एक जैसे, साइन का फर्क आ गया, मतलब जहां माइनस था वहां प्लस हो चुका है, और जहां प्लस था वहां पे क्या हो चुका है, माइनस। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे भाई, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, माइनस इधर से कॉमन, माइनस इधर से कॉमन, माइनस इधर से कॉमन। तो जब ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, 3 बार माइनस कॉमन लेंगे जब हम, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, 3 बार माइनस कॉमन ले लिया, कहां से लिया, पहले फर्स्ट रो से लिया, तो भाई 0 तो 0 रहेगा, 1/2 -1/2 बन जाएगा, 5/2 माइनस का 5/2 बन जाएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाली चीज किस में बन जाएगी, प्लस में, ठीक। अब इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस वाली चीज प्लस, प्लस वाली चीज माइनस, ठीक है, लीजिए। हाँ जी, माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस तो माइनस। अब ये पूरा का पूरा क्या आपको देखने में क्यू जैसा लगने लग गया, अब देखो लगने लग गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू के बराबर। मतलब बच्चों हमने क्या देखा कि भाई ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे, जब पी का ट्रांसपोज किया और वापस क्या मिल गया, पी, तो ये था सिमेट्रिक। ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब
जब हमने q का ट्रांसपोज किया तो मिला हमको q, लेकिन एक छोटा सा फर्क क्या कि भाई उसके अंदर साइन चेंज थे, तो इसलिए p ट्रांसपोज करके p मिलता है तो इस q सॉरी सिमेट्रिक, और अगर q का ट्रांसपोज करके माइनस का q मिलता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पल्ले पड़ रही है बच्चों सभी को ये बात? तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानकारी हासिल की कि अगर भाई p की वैल्यू का ट्रांसपोज किया जाए और वापस p मिल जाए तो वो होगा सिमेट्रिक, और अगर q की वैल्यू का ट्रांसपोज किया जाए और हमें माइनस का q मिल जाए तो वो क्या होगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने अभी आपको सिमेट्रिक के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमने बता दी भाई, बात कर ली, लेकिन हमें एक्सप्रेस किसको करना है, हमें एक्सप्रेस इसको करना है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला है और जो भी आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला है उनको आपस में ऐड कर दो। आप फिर से सुनेंगे, जो भी आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला है और जो भी आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला है उनको आपस में ऐड कर दो, और जैसे ही आप इनको आपस में ऐड करोगे, ऐड करते ही आप देखना आपके सामने ये हाजिर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करते ही आपके सामने हाजिर आ जाएगा। कैसे, मैं करके दिखाता हूं। तो बच्चों आपके सामने मैंने p की वैल्यू ये निकाली थी तो मैंने यहां लिख दी, और q की वैल्यू मैंने ये निकाली थी यहां पे लिख दी। अच्छा, कभी कभी ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि भैया या सर हाँ जी हमें ये जो वैल्यू पुट करनी है यहां पर, तो p की ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करनी है या p की? अरे भाई p की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया अगर ट्रांसपोज कर भी दें पुट तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कंफ्यूजन कहां पर आएगी, कंफ्यूजन यहां आएगी जब आप q की वैल्यू पुट करने लगोगे। तो आप, क्योंकि जब आपके माइंड में p का ट्रांसपोज डला रहेगा तो उस जगह पे आपके माइंड में q का ट्रांसपोज भी डला रहेगा, और बच्चे क्या करते हैं q का ट्रांसपोज में क्या ले लेते हैं, माइनस का q, q के ट्रांसपोज में क्या ले लेते हैं, माइनस का q, तो फिर हो जाएगा ना गलत, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस वजह से अपने माइंड में से ट्रांसपोज वाली गिनती जो है ना बाहर कर देना इस टाइम पे कि हाँ जी हमें p का मतलब p की वैल्यू पुट करनी है, q का मतलब q की वैल्यू पुट करनी है ना। कुछ बच्चे कहते हैं भाई p का ट्रांसपोज भी पुट कर दो क्या फर्क पड़ता है? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पुट करो धड़ल्ले से, ठीक है। अब बात करते हैं कि q के ट्रांसपोज पुट करते हैं, भाई करके देख लो एक बार, वैल्यू इधर से उधर कहानी गुल हो रही होगी। तो इसलिए भाई बढ़िया है कि आप ना ये बोलो ही मत कि हाँ भाई मैं p के ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है, मानता हूँ p का ट्रांसपोज p ही है लेकिन q का ट्रांसपोज तो q नहीं है ना, वो तो माइनस q है, फिर हो जाएगा गलत। तो इसलिए p का मतलब p की वैल्यू, q का मतलब q की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब जरा ऐड करके देखना, वापस यही मैट्रिक्स आपको यहां पे दिख जाएगा, 2 प्लस 0 2, माइनस का 3/2, माइनस का 1/2। अच्छा, अब ये आ गया फ्रैक्शन वाली ऐड, तो आपको मैं करके दिखा देता हूं बकायदा कि कैसे फ्रैक्शन की ऐड करते हैं। माइनस 3/2 और ये प्लस माइनस माइनस 1/2, एलसीएम, नीचे नंबर सेम तो ऊपर का नंबर भी सेम, माइनस का 4/2 कैंसिल आउट माइनस का 2, तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या आ गया, माइनस का 2। इसी तरह माइनस का 3/2 प्लस माइनस माइनस का 5/2, नीचे एलसीएम सेम, जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, 5 और 3 माइनस का 8/2 कैंसिल आउट माइनस का 4, ये लीजिए भाई। अच्छा, अब इन दोनों को माइनस का 3/2 प्लस का 1/2, तो बस 2 नीचे सेम तो ऊपर सेम, माइनस 3 1 माइनस का 2 कैंसिल आउट माइनस 1, ठीक है। 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 3 4, इसी तरीके से सेम है भाई, अरे हाँ कि ना। ये अब देखो, अब आप हर बार तो इतना करोगे नहीं, हर बार तो इतना करोगे नहीं क्योंकि ना ही आपके पास अपने पेपर में इतना टाइम है कि आप ये सब सॉल्व करके दो। अब ऐसे भी ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हो, चुटकियों में सॉल्व होना चाहिए, पता भी नहीं चलना चाहिए कि हाँ जी बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया होगा, ठीक है, टाइम खराब नहीं करना है, बस सीधा 3/2 डेढ़ होता है, 5/2 ढाई होता है, डेढ़ माइनस ढाई प्लस, ढाई में से डेढ़ गया बचा 1, आंसर कितना आया 1। हाँ जी 1 और 3, माइनस का 3 है माइनस का 2 रहेगा, माइनस 3 0 रहेगा माइनस का 3, बात खत्म। p प्लस क्यू जरा गौर से मैच करेंगे कि हाँ भाई क्या b के बराबर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल
सही है, हमने जितनी भी चीजें की हैं, चाहे सिमेट्रिक निकाला हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक निकाला हो, वो डेफिनेटली सही होगा। आप कभी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सही है गलत है पता ऐसे ही कर सकते हो। कैसे? इन दोनों को ऐड करो, सिमेट्रिक को और स्क्यू सिमेट्रिक को, और वापस अगर ओरिजिनल चीज मिल जाती है आपको तो समझ लो कि हाँ जी आपने जो काम किया वो बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल सही है। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? चलिए तो अब अपना 3.3 पूरा खत्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं 3.4 जिसे हम लोग कहेंगे रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन, बड़ा खतरनाक जबरदस्त और आपके दिमाग को पूरी तरीके से टटोल लेने वाला क्वेश्चन, इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे जिसकी वजह से आप नए नए क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे समझेंगे कि हाँ जी सर ये देखिए इसमें क्या हुआ, ये देखिए क्या, क्योंकि अब आपको करना है ऑपरेशन और ऑपरेशन कौन लोग करते हैं? डॉक्टर लोग करते हैं। तो यानी अब आप लोगों को मैथ के डॉक्टर के लिए काम करना है क्या अग्रसर, पहला पड़ाव शुरुआत करना है। ठीक है जी, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में ऑपरेशन टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको शुरू करूंगा और अब आपकी क्लास ऐसी कंटिन्यू चलती रहेंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी सर ने बीच में तीन चार दिन तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही, कम से कम 10-12 दिन का गैप दे दिया मैंने। ठीक, क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि लॉकडाउन की वजह से कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था माहौल, ठीक, और घर पर रहना भी ज़रूरी था, तभी मैं आपके सामने आ पाऊँगा। और अब आ गया हूँ तो आप कंटिन्यू रहूँगा और आप भी कंटिन्यू रहिए। और बाकी अपना होमवर्क, जो खास बात है सबसे, अपना होमवर्क मेरे नंबर पर ज़रूर सेंड करते रहना। ठीक है बच्चों, चलो तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।